चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, हम सर दीन जाल ना तुम सर, हम सर दीन जाल ना तुम सर, अब बख्तियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे, हम बल बल जाओ रामया कारणे, हम बल बल जाओ रामया कारने, कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिचरे थे मादो,
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेंगे, जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। ये शब्द भगत रविदास का है। भगत रविदास जात दे चमार सन। इन्हां दे पिता जुतियां गंढण दा काम करया करदे सन। बनारस इन्हां दी जन्म भूमि सी। रविदास वड्डे होए पिता दे नाल दुकान ते काम करदे ने, पर सुभा ऐसा कि जे किसी ने पैसे दिते तावी ठीक, जे किसी ने कहा भगत जी मेरे कोल पैसे नहीं ते कहना चंगा भाई तू अपना काम सार ले, पैसे नहीं ता रहन दे। माता पिता ने सलाह की थी कि इस तरह तेरा रविदास सारी दुकान लुटा देगा, इदा सुभा जिड़ा है ऐसा दानी रहा ते अगला जीवन इदा किस तरह बीतेगा। ये सलाह की थी कि रविदास दी शादी कर देने, जिम्मेवारी पवेगी ता आपे कमान लग पवेगा। रविदास दी शादी कर दी पर सुख दे नाल घरवाली भी ऐसी मिली जे रविदास जी ने कहना भलीए लोके दिन है ता सत बचन दिन है, जे कहना रात है ता कहना सत बचन स्वामी जी रात है। माता पिता होर दुखी हो गए कि अगे ते कल्ला रविदास सी, हुण इहदी घरवाली भी एहो जी आ गई। माता पिता ने सलाह की थी ते क्या रविदास तेनू असी जन्म दिता, वड्डा कीता, तेरा व्याह कर दिता, ते असी तेनू हुण कमा के खवा नहीं सकते, तेनू जिन्ना समान चाहिदा ओ लै लै ते तू वखरे हो जा। रविदास भगत ने जो समान चाहिदा सी ओ लै लिया। शाही सड़क ते भगत रविदास ने अपनी शान पा ली, हुण इत्थे रहन लग पए ने। दोनों मिया बीबी दोनों वक्त बंदगी करते ने, सवा एक ने, क्योंकि भगती भी ताई हो सकती है जे घर विच शांति होवे। जिस घर विच सुख नहीं
जिस घर विच शांति नहीं उथे इंसान नाम भी नहीं जप सकता। जिस तरह के रविदास भगत दे घर शांति है, दोनों मियां बीबी उस परमेश्वर दे चरणा दे नाल अपना मन जोड़ते, बंदगी करते गए, लोगों नूं जुतियां गंढ गंढ के देंदे ने पर अपने पैर नंगे। काफी समा इसी तरह लंघ गया। परमेश्वर ने एक ब्राह्मण का रूप धारिया ते रविदास भगत की चुगी विच चले गए। अपने सुभा अनुसार रविदास जी ने उस ब्राह्मण भगवान की सेवा की। जान लग्या ब्राह्मण भगवान कहन लगे, रविदास तेरे विच श्रद्धा भाव बहुत है पर तू गरीब है। मेरे कोल एक पारस है, जिन्हों लाएगा वह चीज सोना बन जाएगी, वह सोना बाजार वेच सोहनी मंदिर मकान बना, आए गए की सेवा कर, तेरा ओ रब तेरा भगवान तेरे ते खुश होवेगा। ते जवाब की दिता भगत जी, कहन लगे ऐ ब्राह्मण देवता, मेरे कोल इन्ना समा नहीं हैगा कि पहला मैं पारस दे नाल सोना बनावा, फिर उस सोने नूं बाजार वेचन जावा। जिन्ना समा मैं सोना बना के बाजार वेचना है उन्ना समा मैं परमेश्वर का नाम होर जपांगा। रविदास भगत ना मन्ने ता उस ब्राह्मण भगवान ने वो पारस एक कपड़े विच लपेटिया ते रविदास जी दी चुगी दे बूहे नाल बन गए। अंदर बार वड़दिया कदी ता दिल करेगा ते रविदास इस पारस नूं वरत लवेगा, आप चले गए। काफी समय बाद ब्राह्मण भगवान फिर आए ते रविदास दी ओही हालत है। भगवान ने पूछया, रविदास मैं तेनू एक पारस दे गया सी। रविदास जी कहन लगे, मैनू तां पता नहीं, जिथे तुसी रखिया सी उथे पिया होवेगा। ब्राह्मण भगवान ने देखिया कि पारस ते बूहे दे नाल बजा होया, पारस हाथ विच फड़ के भगवान बैठ गए ते समझ गए रविदास ने माया ते काबू पा ले। पर भगवान कहन लगे कि मैं भगत नूं माया दे के छड़नी। कहन लगे रविदास, और देख तेरे पिछे की। रविदास ने कंड मोड़ी ता भगवान अलोप हो गए। जदों फिर इस पासे मुंह कीता रविदास जी ने, ब्राह्मण भगवान अलोप हो चुके ता कहन लगे, ओ मना ए ता आप रब तेरी झुकी विच आए, तू पहचान ना सके, मन दुखी हो गया, अखां भर आईयां के तू रब नूं ना पहचाने। पर फिर अपने आप नूं तसल्ली दित्ती, ए शब्द उचारे आ उस परमेश्वर दे चरणा विच ते नाले इउं किया। भगत रविदास जी अपनी बाणी विच बयान करदे ने, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। ऐ परमेश्वर, जो हम बांधे मोह फास, तू सानू मोह माया विच बन्या होया, हम प्रेम बंधन तुम बांधे।
तू सानू मोह माया विच बने है, ते असी तेनू अपने प्रेम दे नाल बने है। तेरा नाम जप के तेरी दिती हुई मोह माया तू असी छुट जाने है। ते तेरा नाम जप के तेनू अपने हिरदे विच असी कैद कर ले है। असी तां छुट गए हैं मोह माया तू, हुण तू कोई ऐसा जतन कर सामने ते चला गया, मेरे हृदय विचो निकल के दस मैं ता तेनू मन्ना। जो हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम अरादे, चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवो। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे। भगवान चले गए, राती सुते, सवेरे उठे ने रविदास भगत, आसन झाड़िया, पांच मोहरां सोने दियां निकलियां, ठीक करियां समझ के एक पासे रख दित्तियां। रोज आसन झाड़दे ने, रोज पांच मोहरां निकलदियां ने, ठीक करियां समझ के एक पासे रखी जांदे ने। इन्हां दिनां विच गंगा ते अपीज नछत्र दा मेला लग्या करदा सी। रविदास भगत दे घरों कहन लगे, स्वामी जी बड़े लोग गंगा ते नहाण वास्ते जा रहे ने, मेरा भी दिल करदा है अस भी गंगा ते जाके इशनान करिए। रविदास भगत कहन लगे, भलीए लोके जेड़े लोग गंगा ते इशनान करन जांदे ने, गंगा माई नू भेटा कुछ ना कुछ जरूर चढ़ांदे ने, तेरे कोल कुछ भेटा तरन वास्ते है। कहन लगे, स्वामी जी एक दमड़ी है कसीरा, ओ दमड़ी पल्ले बनी गंगा ते इशनान करन वास्ते तुर पए ने। गंगा घाट पहुंची की देखिया, हजारां लोग गंगा ते इशनान करन वास्ते आए हुए ने, कोई सोना कोई चांदी कोई कपड़े कोई गहने कोई दीवे बाल बाल के डूनिया विच रख के गंगा माई नू भेटा धर रहे है, ते गंगा माई सब कुछ रोड़ के लई जांदी। रविदास भगत अपनी घरवाली दे नाल एक पासे जाके खलो गए ने, ओ दमड़ी कसीरा कढ़िया, इशनान करन तो पहला ओ दमड़ी गंगा दे विच सुट्टी। जदू ओ दमड़ी गंगा विच सुट्टी ते पानी दे विचों एक पंजा उंगलां वाला हाथ बार निकलिया,
ओ दमड़ी उस हाथ ने फड़ ली ते आवाज आई, रविदास तेरी बेटा गंगा माई ने प्रवान की थी। भाई गुरदास जी इस गल की शाख भरते हैं, लिया कसीरा हाथ कड के गंगा माई ने अपना हाथ कड के ओ कसीरा ओ दमड़ी प्रवान की थी। ए कौतक उन्हां हजारां लोकां ने जदों देखिया कि साडी भेटा गंगा माई रोड़ के ले जा रही है, असी खुश हो रहे हैं कि साडी भेटा गंगा माता ने प्रवान की थी। पर किसी की भेटा गंगा माई हाथ कड के भी प्रवान कर दी है, वो सारे लोग भगत रविदास नूं नमस्कारा करन लग पए ने, हर पासे जय जयकार होण लग पई। भाई गुरदास जी बयान करदे हन, भगत भगत जग वजिया चौ चक्कां दे विच चमरेटा, कि हर पासे भगत जी होण लग पई। गंगा नहा के वापस आ गए ने। रविदास भगत जदों भी आसन झाड़ते ने, पांच मोहरां सोने दियां निकलदियां ने, चंगा ढेर लग गया। एक दिन पाख्या आई रविदास, ए सोने दियां मोहरां ने ठीकरियां नहीं, जिहड़ियां तू एक पासे रखी जाना है ए मैं आप खुश होके तेनू दे रहा। तू सोहनी मंदिर मकान बना, सवेरे एक सेठ आवेगा बहुत सारी माया लैके, ताकि लोकी शक ना करन कि गरीब कोल इन्नी माया कित्थों आ गई। तेरे ओ मंदिर मकान बनावेगा, उनू इनकार ना करी। रविदास भगत उठे, अपनी घरवाली नूं क्या पलिए लोके इस तरह मैनू पाख्या आई। रविदास भगत दे घरों कहन लगे, स्वामी जी जे परमेश्वर दी इहो ही मर्जी है तां इसे तरह हुण दिओ। दिन चढ़िया, एक सेठ माया दियां थैलियां लैके हाजिर हो गया। रविदास भगत नूं मत्था टेकिया, क्या भगत जी मेरे घर लड़का कोई नहीं सी, तुहाडी सोभा सोहणी, अरदास कीती जे मेरे घर पुत्र होया ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा, मैनू हुण आग्या दिओ। रविदास भगत ने आग्या दे दित्ती, सोहणे मंदिर मकान बन गए। भगत रविदास उन्हां मंदिर मकानां विच आके बैठ गए ने, संगत भी बहुत आन लग पई, कीर्तन होण लग पे। बनारस विच हर पासे भगत रविदास दी जय जयकार होण लग पई। पर यह गल जेड़े पंडित लोग सन उन्होंने चंगी ना लगी कि एक चमार जुतियां गंढन वाला वो मंदिर विच बैठ गए, लोग उहदी पूजा करन लग पए ने। इन्हां सारिआं ब्राह्मणां ने सलाह कीती कि रविदास नूं मंदिर दे विचों कढ़ा दईए। ये सारे जने तैयार होके जिहड़ा समय दा नवाब सी उहदे कोल चले गए ने, भगत रविदास दी शिकायत करन वास्ते। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे,
चिर पै उतर सन दे के कह रविदास आस लग जी वो कह रविदास आस लग जी वो चिर पयो दर्शन देखे 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 बनारस दे पंडतां ने इकट्ठे होके समय दे नवाब दे कोल ए शिकायत कीती कि रविदास चमार है मंदिर विच बैठा पूजा करवा रहे इन्हें साडा धर्म भ्रष्ट कर दिता है इन्हू रोकिया जावे ते नवाब उन्हां ब्राह्मणां नूं कहन लगा धर्म दा मामला है इहदे विच मैं कोई फैसला नहीं दे सकदा एक काम करने हैं उस मंदिर दे विच जिन्नियां भी मूर्तियां ने उस सारियां मूर्तियां एक चंदन दी चौंकी ते रख के गंगा दे पार रख देने हैं ते पहला पंडित आवाज मारन ओ मूर्तियां बिना किसी सहारे दे पानी ते तुर के गंगा दे इस पासे आ जान ता पंडित पूजा करनगे फिर रविदास आवाज मारे जे रविदास दी आवाज ते ओ मूर्तियां गंगा तों तुर के आ जान तां रविदास पूजा करेगा जे दोनों दी आवाज ते मूर्तियां आ जान तां दोनों नूं अधियां अधियां मूर्तियां असी दे देंगे पंडितां ने यह फैसला मन लिया उन्हां नूं माण है असी उच्चियां जातां वाले जनेऊ पाए गंगा ते इशनान करने काला इलम जानने रविदास नूं उस परमेश्वर ते भरोसा सी भगत जी कहन लगे सानू भी ये फैसला मंजूर है दिन मिथ्या गया मंदिर दियां सारियां मूर्तियां चंदन दी चौंकी ते रख के गंगा दे किनारे रख दित्तियां दूसरे पासे रविदास भगत ब्राह्मण नवाब होर काशी बनारस दे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए बहुत वड्डा जिवें मेला लगता है इस तरह दुनिया इकट्ठी हो गई नवाब ने पंडितां नूं कहा तुसी आवाज मारो तां कि ओ मूर्तियां बिना किसी सहारे पानी ते तुर के इस पासे आ जाण इत्थे एक गल
कहनी जरूरी है। रविदास भगत ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, पर एक गल कही, जे इंसान का प्यार सच्चा है ता पत्थर दे विचों भी वह परमेश्वर नूं पा सकदा है। नवाब ने पंडितां नूं कहा, आवाज मारो उन्हां मूर्तियां नूं। लगे आवाजा मारन, पर पत्थर दियां मूर्तियां किस तरह आ सकदियां? काला इलम भी कईयां ने पढ़िया पर कोई पेश ना गई, शर्मिंदे हो गए। कहन लगे, नवाब साहब, कलयुग का समय, इन्हां मूर्तियां दे विच जान नहीं पै सकती, पर ये मूर्तियां सुते सिद्ध मनोकामना पूरी कर दिंदियां हन। नवाब ने रविदास भगत नु कहा, भगत जी हुण तुसी आवाज मारो, ओ मूर्तियां गंगा दे इस पासे आ जान। रविदास भगत चौंकड़ा मार के बैठ गए, अखां बंद कर लईयां, हाथ जोड़ ले। उन्हां मूर्तियां वास्ते अरदास नहीं कीती, उस परमेश्वर दे दर्शनां वास्ते रविदास भगत जी अपनी बाणी विच इउं बेनती करदे ने, अपने मन दी तड़फ परमेश्वर दे सामने इउं बयान कीती। भगत रविदास जी ने, कूप भरियो जैसे दादरा, कच्छ देश बदेश ना बूझे। भगत जी कह रहे हैं, कूप कहंदे ने खूह नूं, कि जिस तरह खूह दे विच पानी भरिया हुंदा है ते उहदे विच डड्डू हुंदा है, उस डड्डू नूं इह नहीं पता कि इस खूह दे बाहर भी दुनिया है। इसे तरह है परमेश्वर, मैं भी मोह माया विच फसिया होया, उस डड्डू की तरह मैनू नहीं पता तू कैडा वड्डा है, तू किन्ना बयानते है, मैं नहीं जान सकता। कूप भरियो जैसे दादरा, कच्छ देश बदेश ना बूझे। ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया, कच्छ आरा पार ना सूझे। सगल पवन की नायिका, एक छिल दर्श दिखाए जी। कहन लगे, सगल पवन की नायिका, ऐ सारी दुनिया दे मालका, एक वारी तां आके मैनूं दर्शन दे। सगल पवन की नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। करो कृपा ब्रह्म चुकई, मैं सुमत देहु समझाई। जोगी सुर पावै नहीं तो गुण कथने अपार, प्रेम भगत के कारणे कह रविदास चमार। ऐ परमेश्वर, मैं बेनती प्या करदा, मैं चमार हां, पर तेरे नाल प्यार बहुत है, कृपा कर ते मैनू दर्शन दे।
रविदास जी ता अखां बंद करके मन जुड़ के बैठे ने, पर ओ जिहड़े देखण वाले लोकी ने उन्हां नूं इस तरह लग्या जिवें ओ पत्थर दीआं मूर्तियां हिलण लग पईआं ने। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। दूसरा शब्द, तुम चंदन हम रंड बापरे। ऐ परमेश्वर तू चंदन है, बहुत खुशबू वाला है, पर असी बहुत नीवे हैं, विकारां दे भरे हुए। जिस तरह जिहड़ा चंदन दे कोल रहिंदा है वह भी चंदन वर्गा हो जाता है, खुशबू वाला हो जाता है, इसे तरह असी नीवे सीगे पर तेरे नाल लग के असी भी उच्चे हो गए हैं। तुम चंदन हम रंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पाए हैं, गंध सुगंध निवासा। ते देखण वालियां नूं इस तरह लगिया ओ मूर्तियां पानी दे अध तक आ गईयां ने, पर रविदास भगत नूं कोई पता नहीं, क्योंकि मन परमेश्वर दे चरणां दे नाल जोड़े है। ते तीसरा शब्द ए उचारिया, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। दीन कहंदे ने गरीब, भगत जी कह रहे ने कि मेरे वर्गा कोई गरीब भिखारी नहीं, ते तेरे वर्गा कोई दाता नहीं हैगा। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पति यार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। हों बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवने अबोल, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। किन्ने जन्म हो गए ने तेरे तू बिछड़े हैं, पर ये जड़ा जन्म है ऐ परमेश्वर मैं तेरे लेखे ला दिता है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो। रविदास जी कहन लगे मैं ता एक तेरी आस ते बैठा के कदों तू मैनू दर्शन देवे, बड़ा चिर हो गया है तेरे दर्शन कीते हैं। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। सारियां मूर्तियां गंगा दे पार आ गई, हर पासे
जय जयकार होने लग पई। पंडित खिसक गए ने, नवाब ने हाथी मंगाया, ओ मूर्तियां हाथी ते रखियां, रविदास भगत जी नूं उत्ते बिठाया, फुल्लां दी वर्खा हो रही, सोने दा छत्र सिर ते फिर रहा, एक जलूस दी शकल विच ये सारे लोग मंदिर वल तुर पए। हर पासे जय जयकार देखी, सिर ते छत्र भी देखे आ, ते रविदास भगत उस परमेश्वर दे नाल जुड़ गए। अपने मन की अवस्था अपने शब्द विच यूं बयान कीती, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐ परमेश्वर ऐसी लाल इन्ना प्यार मेरे वर्गे चमार दे नाल तेरे तू सिवा होर कौन कर सकदा है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गुसैया मेरा, गरीब निवाज गरीबा नु निवाजन वाला मेरा गुसैया मेरा मालक मेरा परमेश्वर, जेड़ा माथे छत्र धरे गरीबा दे मथे दे भी सोने दे छत्र चला देंदा है, किथे मैं जुतियां गंढन वाला, मेरे हथों कोई पानी पी के राजी नहीं, पर अज मेरे सिर ते भी सोने दा छत्र फिर रहा है, ते दुनिया नमस्कारा पई करती है, गरीब निवास गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे जांकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही टरे, नीचे ऊंचे करे मेरा गोविंद, जिड़ा मेरा गोविंद है मेरा परमेश्वर वो नीचा नू ऊंचे कर देंदा है, क्यों इस वास्ते कि वो किसी तू डरता नहीं, नीचे ऊंचे करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, रविदास भगत ऐ संत जनो ऐ दुनिया दे लोको मेरी गल सुनो, हर जियो ते सबे सरे, ओ जिहड़ा हरी परमेश्वर है ओ सब कुछ कर सकदा है, जिस तरह के मेरे वर्गे चमार नू अज उन्हें किन्ना मान बख्शिया है, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, रविदास भगत की शोभा चितौड़ राणा सांगा एदी घरवाली चालाबाई ने भी सुनी, तीर्थ यात्रा के बहाने राणी चालाबाई बनारस रविदास भगत दे मंदिर विच आ पहुंची, संगत बैठी, रविदास भगत हाथ विच खड़ताला फड़ के परी संगत विच ए शब्द पढ़ रहे सन, जदों राणी चालाबाई
मंदिर विच पहुंची। जल की पीत पवन का तंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। ऐ भाई, सब कुछ उदू तक जदू तक असी जीने, मर गए ता कुछ भी अपना नहीं, क्यों मेरा तेरा करना है। ऐसा असर राणी ते होया, जो कुछ भी लेके आए सी सारा कुछ भगत रविदास दे चरणा ते पेटा कर दिता। चेली बन गई, एक महीना रह के फिर वापस चली गई। पर पंडता नू बड़ा गुस्सा लगा कि इन्नी माया रविदास कोल चली गई। ए चितौड़ जा पहुंचे ने राणी नू कहा कि तुसी राजपूत हो, पर तुहाडी घरवाली ने एक चमार नू गुरु बनाया, धर्म भ्रिष्ट कर लिया। राणी नू गुस्सा चढ़िया, राणी दे महलां विच गए। कहन लगे, राणी बनारस तो कुछ ब्राह्मण आए ने, कहंदे ने तू चमार नू गुरु बनाया। राणी कहन लगी, स्वामी जी ओ पंडित माया दे भुखे ने, आओ मेरे नाल। पंडता नू कहा, तुहानू मूह मंगी माया देंगी, ए दसो कि सच्चा भगत कौन है। ओ ते आए माया वास्ते सन, माया मिली। कहन लगे, सच्चा भगत ते रविदास सी। राणा भी हुण श्रद्धालु बन गया। रविदास भगत नू चितौड़ बुलाया, बड़ा वड्डा भंडारा कीता गया, हजारां लोग इकट्ठे होए, ब्राह्मण भी राजे भी अमीर भी। जिस दिन भंडारा होना सी हजारां लोग पंगतां विच बैठे ने, रविदास भगत जी आके बैठे। भंडारा शुरू होने लगा ते पंडतां ने रौला पा दिता। कहन लगे, चमार साडे नाल बैठेगा ता असी रोटी नहीं खानी। राजा कहन लगा, ए ता मेरे गुरु ने, जे मेरा गुरु ना बैठा ते मेरा भंडारा सफला नहीं होना। पंडित कहन लगे, राजन या ता कल्ले रविदास नू खुश कर ले ते या सानू सारिआं। ते रविदास जी कहन लगे, राजन ए ठीक कहंदे ने, मैं चमार जुतियां गंढन वाला, ए उचियां जातां दे मालक, मैं इन्हां दे नाल बैठन दे लायक नहीं हैगा, इन्हां नू पहलां पा लो। रविदास भगत अपने कमरे विच चले गए, पर मन दुखी है। उन्हां लोकां नू कुछ नहीं कहा, अखां विच अथरू, भगतां दे गिले शिकवे परमेश्वर नाल होंदे ने। ते ए शब्द उचारे आ, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। ऐ परमेश्वर, मैं ते अगे दिन रात ही सोचता रहना, मेरी संगत नीवी, मेरा बहना उठना भी नीव्या दे नाल, मेरा जन्म भी चमारा दे घर, मैं ता अगे ही सोचता रहना। मेरी संगत पोचे सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांती, राम गुसैया जी के जीवना, मोहना बिसारो मैं जन तेरा, मेरी हरो विपति जन करो सवाई, चरण ना छाड़ो
शरीर कल जाए। कहन लगे आज मवी फैसला कर ले कि तेरे चरण नहीं छड़ने, भावे मेरी जान क्यों ना निकल जावे, कि अज इन्हों लोगों ने मैनू पंगत विच उठा दिता, एक है कि ए चमार है, ए नीच है, ते तेरा नाम जपन वाला इन्ना नीच हो जांदा है कि वो किसी नाल बैठ के रोटी नहीं खा सकता। जे तू अज भी ना बौड़िया ते कल उन्हें फिर कौन तेरा नाम जपेगा। मेरी हरो विपत चन करो सबाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। कह रविदास परों तेरी सांबा, बेग मिलो चन करना बिलांबा। ऐ परमेश्वर सांबा कहंदे ने शरण नू, बेग जल्दी मैं तेरी शरण पया ते जल्दी आके मिल। बेनती की थी उधर भंडारा शुरू हो गया। जदू ब्राह्मण रोटी खान लगे ने ते की देखते ने कि रविदास नाल बैठा होया। जेड़ा ब्राह्मण थाली विच हथ पाता है नाल रविदास भगत भी हथ पाता है, रौला पै गया। हर कोई कहन लग पिया कि रविदास मेरे नाल बैठा है। राजा कहन लगा रविदास तां अपने मकान विच बैठे ने, कमरे विच बैठे ने। हजारा ब्राह्मण उन्हां सारिआं दे नाल इक इक रविदास बैठा होया है, रौला पै गया। तां विच सियाणे भी सन, कहन लगे भई रविदास तां इक है, हजारां दे नाल जे इक इक रविदास बैठा है तां इह लीला परमेश्वर दी है। ओ सच्चा भगत है, आओ चलिए। सारे उठे ने, रविदास भगत दे चरणा ते मत्था टेकिया। रविदास भगत नू अपने नाल बिठा के उन्हां सारिआं ने भोजन छकिया, खिमा मंगी। उन्हां सारिआं फिर उच्चियां कुलां वालिआं ने, ब्राह्मणा ने फिर रविदास भगत दे चरणा ते मत्था टेकिया। ते रविदास भगत जी ने उन्हां लोकां नू फिर उपदेश कीता है। ए रविदास भगत दा जीवन, जिन्हां ने माया दा त्याग कीता, परमेश्वर दा नाम जपिया, ते गुरु अर्जन साहब ने होर कृपा कीती, रविदास भगत दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज कीती। ते जदों भी आपां गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकने आ, रविदास भगत नूं भी असीं मत्था टेकने आ। परमेश्वर दा नाम ऐसा है कि जिहड़ा भी इंसान मन करके जपदा है ਉਹ ਨੀਚ ਤੋਂ ਊਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਏ। ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਚਿਰ ਪਇਓ दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे।